मैं था नहीं, थे आप खड़े हो, मैं आया था वैसे में बाहर से है, तो भीड़ हो रही थी। मैं क्या बात कोई नहीं, क्या है क्या नहीं है। इस शहर में अपने वार्ड के प्रमुख आदमी जांच के बाहर घूम रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं। सिर्फ बात देखिए, मेरे वार्ड में क्या है कि 550 महिला लगी हुई, तो 300 का नाम कट गया, 15 दिन काम किया नाम कट गया। मैं पता करने में नाम क्यों कटा कि हमें पता नहीं, आप जाइए यहाँ से। मैंने कहा मेरे एड्रेस थोड़ी है, आप नाम कैसे कट गया, मैं क्या जवाब दूँ। लेडीजें घर बैठी है, सुबह से आ गए, उनकी बोल के मेरा नाम कैसे कटे 15 दिन। फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए, गाड़ी गलोज शुरू कर दी। मैंने कहा इमराम जी ने बोला भी आप गाड़ी गलोज कैसे करो, आप गाड़ी गलोज कैसे करो, कहीं यही जाओ जाती सुन गाड़ियाँ दी। फिर मैंने कहा मैडम ऐसे नहीं, फिर वहाँ से बात खत्म हो गई हमारी। फिर हम वापस आ गए, इस बैठ के ही बात हुई थी। आज हमने सदर थाने में इसके फरियाद दी है कि हमारे साथ भी न्याय हो और इसकी जांच की जाए। जो कर्मचारी हैं वो आई थी, इन्होंने एमाराम चौधरी जो पार्षद प्रतिनिधि है और विनोद धवल जो पार्षद है, इनके खिलाफ कैसा अभद्रता की हमारे कार्यालय में आकर। उनका भी परिवाद हमारे पास है। आज ये विनोद धवल और ये जो पार्षद मनोज बिश्नोई वगैरह, ये जो पार्षद गण है, साथी गण है, आपस में इकट्ठा हो गए हैं और इन्होंने अपना एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में भी जांच करेंगे, दोनों रिपोर्टें आ गई, अब इनकी जांच करके न्यायोचित कार्रवाई होगी, वो अमल में लाएगा। अभद्रता की बात कर रही है वो क्या, वहाँ और कौन कौन मौजूद था, किस तरह हुआ, पार्षदों का काम है वहाँ जाते रहते हैं, ये कह रहे हैं साहब। हम बोले तो थोड़ा तेज थे, लेकिन हमने कोई इस तरह महिला के साथ नहीं की, लेकिन वो जाँच कर लेंगे, निष्पक्ष जाँच करेंगे। ठीक।